फिरकी किस तरह की बीमारी है और इसके होने की क्या वजह है, ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में मिर्गी के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है? देखिए, मिर्गी को आयुर्वेद में अपस्मार के नाम से बताया गया है कि रोग पूरा वर्णित है। वात रोग के अंडर इसको हमने जो है लिया है और मस्तिष्क के साथ डेफिनेटली इसका एक कनेक्शन है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि ब्रेन की एक बीमारी है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें प्राणवायु जो है वो चलती है, वो एक प्रकार से पूरे जितने भी कार्य मस्तिष्क के अंदर हो रहे हैं प्राणवायु वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है उस उन कार्यों को पूरा करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर वो लुब्रिकेशन, यानी कि जो स्निग्धता हमारे मस्तिष्क को हमें चाहिए, जिसको कि हम तर्पक कफ आयुर्वेद में कहते हैं। तो तर्पक कफ और प्राणवायु दोनों जब विकृत होंगी तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम उसको कहेंगे कि मस्तिष्क के विकार अनेक प्रकार के, उसमें मिर्गी भी एक आता है। क्योंकि मिर्गी में आमतौर पर क्या होगा, देखा जाएगा कि दौरे पड़ते हैं, उसमें सीजर्स बोलते हैं उनको, और दौरा जो है एक मिनट का हो सकता है, कभी कभार एक केवल झटका सा आता है, कुछ मिनट तक भी वो रह सकता है। उसमें कई प्रकार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से देखें तो कभी बेहोशी उसमें होती है, जीभ भी कट जाती है, मुंह से लार निकलती है, सांस बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, बहुत गहरा सांस उसमें आता है। तो ये जो दौरे पड़ने की बीमारी है, जिसमें कि दौरे के समय मुख्य रूप से हमारा जो मस्तिष्क है उसका कनेक्शन बॉडी के साथ एक तरह से कट जाता है, तो बॉडी को, बॉडी और ब्रेन का जब तालमेल नहीं रहता तो वो दौरे की अवस्था होती है। लेकिन कुछ समय के बाद वापस फिर एक नॉर्मल अवस्था में मरीज आ जाता है और फिर उसको ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई उसको बीमारी है, वो सब अपना काम नॉर्मल तरीके से करता है। लेकिन अगर देखभाल इसकी ना की जाए तो लॉन्ग टर्म में जाकर के ब्रेन का कोई हिस्सा परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है, जिसको के कहते हैं कि अभी बिल्कुल ब्रेन का, मस्तिष्क का हिस्सा आपका मर चुका है। उसके कारण फिर कई बार और भी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में आ सकते हैं और बहुत गंभीर अवस्था में कभी कभार उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। योगेंद्र है कोलकाता से, दर्शक बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं योगेंद्र बोल रहा था कोलकाता से। सर मेरे बाल झड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बाल झड़ने के लिए कुछ आपने इलाज किया अभी या नहीं? देखिए अभी तो कुछ किया नहीं, बस ऑयल लगा रहे हैं। ऑयल लगाते हैं रोज? हाँ जी। कितने दिन में लगाते हैं? मॉर्निंग में लगाते हैं और उसके बस एक बार लगाते हैं दिन में। अच्छा, कौन सा ऑयल लगाते हैं बालों? वैसे ही नॉर्मल आंवला वगैरह का तेल होता है। अच्छा, नॉर्मल ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, उससे बाल नहीं रुक रहे हैं आपके, फिर भी झड़ते जा रहे हैं? हाँ जी, झड़ते हैं और जैसे व्हाइट व्हाइट से ना सर के अंदर एक वो पपड़ी सी हो जाती है सर में। अच्छा, डैंड्रफ उसको कहते हैं, रूसी या इची स्काल्प उसको बोलते हैं, कि सिर में आपके थोड़ी सी एक तरह से जैसे सोरायसिस स्किन में हो जाता है, उस तरह की पपड़ी वहाँ निकलने लगती है। तो कभी कभार ये, मैंने इतने सारे प्रश्न आपसे इसलिए भी किए हैं कि हमें ये जानना भी जरूर होता है कि क्यों बाल गिर रहे हैं आपके। तेल भी आप लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि तेल लगाने से बाल नहीं गिरते हैं, तेल लगाना चाहिए सभी को, लेकिन आपके फिर भी गिर रहे हैं, इसका मतलब कि कारण कुछ और है। कारण जो आपने अभी बताया लास्ट में सबसे, कि सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी वहाँ पर जम जाती है, तो ये आपका मूल कारण है। इसकी वजह से आपका जो हेयर की जो रूट है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक प्रकार का आप समझें तो इन्फेक्शन हो गया है। आयुर्वेद की दृष्टि से समझें तो वात का प्रकोप हुआ है। तो वात का प्रकोप है तो सबसे पहले तो वहाँ सफाई हमें करनी है। सफाई के लिए नींबू का रस और नारियल का तेल बराबर बराबर मात्रा में मिलाएं और ये मिक्सचर बना करके बालों की जड़ों में कम से कम 5-7 मिनट अच्छी तरह से खूब मसाज करें उसमें। उसके पश्चात दही अगर ताज़ा घर में है तो दही से अपने बाल धोएं। एक और बढ़िया नुस्खा इसके लिए है कि मेथी दाना जो होता है उसको भिगो दीजिए 12-14 घंटे तक पानी में, उसको पेस्ट बना लीजिए कूट करके रगड़ के, और उस पेस्ट में दही मिला करके उससे बाल आप धोएं, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। या नीम के ताज़े पत्ते पानी में उबाल करके उससे बाल धोएंगे, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा इंटरनल खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भोजन जरूर खाएं जो पौष्टिक हों, सुपाच्य हों और पित्तवर्धक ना हो, गर्मी ना करें बॉडी में,
तो फिर आपके बाल हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम बेहद खतरनाक बीमारी मिर्गी के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति कैसे जाने कि उसे मिर्गी की बीमारी है, इसके लक्षण क्या है? लक्षण तो मुख्य, जैसे हमने बोला, मेन लक्षण इसमें जो दौरा पड़ता है, सीजर्स जिसको बोलते हैं, जो बेहोशी का वो जो एक थोड़ा सा समय है, वो एक पहली पहचान है। उसके दौरान मुंह से लार निकलना, जीभ कटना एक और भी लक्षण इसमें एक टिपिकल है मिर्गी के अंदर, कि कई बार जीभ पेशेंट की कट जाती है। उसके पश्चात वो आँखें उसकी बार बार झपकती रहेंगी। दौरे के समय आप देखेंगे कि बेहोशी में आँखें उसकी झपक रही हैं, सांस कभी कभार बहुत मुश्किल से उसको आता है, बहुत उसको कष्ट होता है सांस लेने में। और इसके साथ साथ उसको थोड़ा, अगर अलग दृष्टि से भी देखें नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि अगर आपको लगे, कई लोगों को घबराहट होने लगती है कहीं बंद कमरे में हों, लिफ्ट में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि ब्रेन में आपके किसी प्रकार का एक शुरुआत वहाँ समझ सकते हैं इसको। लेकिन जो मुख्य लक्षण है, मुँह सूखना एक इसमें है, मुँह सूखता है। दौरे के पश्चात बॉडी में काफ़ी कमजोरी आती है, स्टिफनेस भी होती है, जब दौरा पड़ता है उस समय अकड़ाहट हो जाती है, शरीर पूरा अकड़ जाता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। तो ये सब लक्षण जो है ये मिर्गी के हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी में आपको देखने को मिलते हैं तो उसका प्रॉपर उपचार करना बहुत जरूरी है। इसमें आयुर्वेद की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक खतरनाक इसमें स्थिति ये बन जाती है कि ऐसे पेशेंट को कहीं पर दौरा कभी भी आ सकता है, उसका कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है। तो कई बार आप वाहन चला रहे हैं, खासतौर पर अगर साइकिल पर आप जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पर आप जा रहे हैं, या आप किसी मशीन के आसपास कहीं काम करते हैं, कोई ऐसी बड़ी मशीन पर आप काम करते हैं और वहाँ पर दौरा आपको आ जाए, या रोड पर पैदल ही आप जा रहे हैं वहाँ आपको दौरा आ जाए, तो वो जानलेवा भी हो सकता है उसमें, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो इसलिए थोड़ा प्रॉपर उपचार इसका करना चाहिए। प्रॉपर उपचार आयुर्वेद में भी इसका अच्छा एक उपचार लिखा है, कई प्रकार की उसमें औषधियाँ लिखी हुई हैं। साथ में दौरे को कंट्रोल करने के लिए आजकल जैसा हम देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन ने भी बहुत रिसर्च की है, काफ़ी सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो दौरे को कंट्रोल करती हैं, और हमारे पास तो जो अक्सर जो मरीज आते हैं इसके, वो ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो उन दवाइयों को भी एकदम से बंद करना मुश्किल होता है। पहला हमारा काम यही होता है कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो खराब हो गया है, जो कमज़ोर पड़ गया है, जिसमें किसी प्रकार से कोई विकृति आ गई है, उसको कैसे दोबारा से हम शक्ति प्रदान करें, उसको एनर्जी दें, उसको ताकत दें, और उसके लिए आयुर्वेद में अनेक प्रकार के उपचार हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, मिर्गी में ऐसा कहा जाता है, जैसा आपने कहा कि अकड़ाहट आ जाती है और पूरे शरीर के हर हिस्से में ऐसा होता है, दांत आपस में बहुत तेजी से फोर्स के साथ दबा ली जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस पेशेंट को ऐसे ना करने दिया जाए, रोका जाए, तो ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, रोकने का तो उसमें देखिए, जब वो दौरा पड़ जाता है उसको, तो फिर उसकी नहीं, दांतों को जो दबाने की बात, वो इसलिए कि जीभ कटने का खतरा उसमें रहता है। अगर जीभ आपकी दब गई है तो जीभ कट जाती है, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि कुछ, कई बार पानी डालते हैं मुँह में, या कोई थोड़ा चम्मच से खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जितना, दूसरा फिर सांस की भी समस्या हो जाती है, दम घुटने लगता है, क्योंकि नाक से उतना पूरा सांस नहीं आ रहा है और मुंह भी भिज जाए पूरा, तो फिर उसको ब्रीदिंग की तकलीफ भी होने लगती है। तो इसलिए कोशिश यही की जाती है कि उसका मुंह थोड़ा खोल दिया जाए, पानी थोड़ा डाल दिया जाए, उससे थोड़ी चेतना भी उसकी वापस आ जाती है। और इसी के साथ एक दर्शक भी हमारे साथ हैं जिनका नाम अरुण है और झांसी से वो कॉल कर रहे हैं। बताइए क्या प्रश्न है? सर, मेरे दादाजी हैं जी, जिनकी उम्र 70 साल की हो गई, अभी बारिश के मौसम में अचानक उनका पांव फिसलने की वजह से जी, कूले पर उनकी जो ना हड्डी, जैसे जॉइंट पे गांव में कहते हैं कि पैर उतरना, पैर उतर गया था जी, तो अब तो मतलब ठीक है, लेकिन सूजन है उनके पैरों में, वो उस पैर में जांघों पे, तो ठीक अच्छा। नहीं हो रही है सर, बिल्कुल भी सूजन, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना, हड्डी तो नहीं टूटी? नहीं, हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई थी सर, बस पैर उतर गया था उनका। अच्छा, वो थोड़ा मैनुअली ठीक कराया आपने? हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन अभी फिर भी सूजन सी बनी हुई है सर। कोई बात नहीं, सूजन और दर्द के लिए बहुत अच्छे उपचार हैं, आयुर्वेद में भी अच्छे उपचार हैं, आपको हम बताते हैं। हल्दी आपने सुना होगा, आमतौर पर जब कोई चोट ऐसी लग जाती है तो दूध में हल्दी मिला के पिलाते हैं, तो उनको कम से कम 1/4 चम्मच हल्दी 1 कप दूध में मिला के दिन में 2 बार तो जरूर पिलाइए। साथ में हल्दी का ही एक लेप बनाइए, हल्दी और शहद मिला लीजिए दोनों, उसका एक थोड़ा कॉटन के ऊपर उसको फैला के उसका लेप वहाँ लगा सकते हैं, या और भी इसमें अगर आपको चाहिए तो एरंड के पत्ते अगर मिल जाए आपको, तो एरंड के पत्ते पर ये हल्दी और शहद या हल्दी और गुड़ का लेप आप उसको फैला करके
वो वहाँ पर थोड़ा बांध दें अच्छी तरह से और उस पट्टी को रोज चेंज करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरी चीज, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना तिल का तेल, वहाँ जेंटल मसाज करना है, बहुत रगड़ा नहीं लगाना क्योंकि बड़ा नाजुक जगह है, दर्द होगा, थोड़ा सा बिल्कुल सॉफ्टली उसको मसाज करेंगे तो उससे भी दर्द में भी फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनको सूजन में भी फर्क पड़ेगा उससे। और चलिए अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि मिर्गी की बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज और उससे बचने की कारगर नुस्खे क्या हैं। तो डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी क्या है? देखिए, आयुर्वेद में तो जैसा मैंने कहा कि इसका पूरा एक प्रोटोकॉल है, चिकित्सा सूत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे मरीज को स्नेहन बहुत जरूरी है। स्नेहन यानी कि ऑयलेशन उसका करना पड़ता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल दोनों ही करने पड़ते हैं। एक्सटर्नल यानी कि सिर में मालिश, शिरोभंग बोलते हैं, शिरोधारा वगैरह कराते हैं। इंटरनल नाक के माध्यम से तेल डालना, नस्य कराना या सेवन, घी का सेवन किया जाता है इसमें, मेडिकेटेड जैसे ब्राह्मी होती है, ब्राह्मी के साथ घी बनाया जाए, मेद्य रसायन जो हमारे यहाँ होते हैं शंख पुष्प इत्यादि, उनके साथ कई अच्छे फॉर्मुलेशन हैं जिनका प्रयोग दौरे में ये मिर्गी के रोग में किया जाता है, अपस्मार के लिए, चिकित्सा के लिए किया जाता है। तो एक तो ये है, दूसरा इंटरनल खाने वाली दवाइयाँ भी मुख्य रूप से मेद्य रसायन हैं, जैसे ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, जटामांसी है, ये जो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनका सेवन आप लोग भी कर सकते हैं, ब्राह्मी का चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट वो है कि कुछ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, खास तौर पर मांसपेशियों को लुब्रिकेट करने के लिए शरीर में भी मालिश बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अकड़ाहट आती है, दौरा पड़ता है, तो कई बार शरीर टूटता है बाद में भी कई घंटे तक, कई लोगों को तो पूरा पूरा दिन जो है बिल्कुल शरीर में जान नहीं रहती है। और मुलेठी का सेवन भी इसमें थोड़ा बहुत किया कराया जाता है, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को मुलेठी या सुहागा, सुहागा जो मिल जाए आपको पंसारी के पास, उसको पीस के तवे पर भून लें और सुहागे को कम से कम 2-3 रत्ती की मात्रा में, यानी कि 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट शहद में मिला के एक बार सेवन कराने से भी फायदा होता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि रोग गंभीर है तो मैंने पहले भी बताया कि इसमें चिकित्सा बहुत ज़रूरी है, दवाई लेना बहुत आवश्यक है, आयुर्वेदिक दवाई, और अगर आप एलोपैथिक ले रहे हैं दौरे कंट्रोल करने के लिए तो उसको भी आप बंद ना करें तुरंत, वो धीरे धीरे देखा जाता है कि अगर मस्तिष्क में हमें लगे, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करा कर देखें और उसमें लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर, फिर उन चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग बंद कराते हैं। और मिर्गी के दौरे आने पर मरीज को लोग चप्पल सुंघाते हैं, जबड़ा खोलने की कोशिश की जाती है, ये जैसा भी हम जिक्र भी कर रहे थे, ये सब करना कितना सही है, डॉक्टर साहब इस बारे में भी बताइए दर्शकों को। देखिए, जबड़ा खोलना तो जैसे मैंने बताया वो ठीक है कि उसको आप थोड़ा पानी डालें जिससे कि उसको ब्रीदिंग हो, लेकिन चप्पल सुंघाने की बजाय तो बेहतर होगा कि थोड़ा नाक में उसके आप तेल डाल दिया जाए या थोड़ा सा देसी घी हो वो डाल दिया जाए। पर्पज़ यही होता है कि चेतना वापस लाना पेशेंट को, दोबारा से वो होश में लाने की कोशिश हम कराते हैं। तो इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर आप उनको नाक में डालें तो उससे चेतना वापस आ जाती है। आयुर्वेद में हम ऐसे नस्य औषधियाँ बनाते हैं, कभी कभार तीखी चीज़ें भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब पेशेंट जब दौरे की कंडीशन में है तो हमारी कोशिश ही रहती है कि कोई नुकसान उसको ना हो जाए किसी तरह का, कोई जो उसके ऑर्गन्स हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दौरे के समय जो है मस्तिष्क और शरीर का तालमेल वो नहीं रहता है जो नॉर्मल अवस्था में रहता है, तो कुछ भी उस समय ऐसी चीज़ ना हो, इसलिए ये सब प्रयास हम लोग करते हैं, पानी थोड़ा डाल देते हैं, जबड़ी खोल देते हैं, चप्पल जूता सूंघा देते हैं, सूंघने से ऐसा माना जाता है कि उसको चेतना वापस आ जाएगी, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियाँ, तेल, घी भी नाक में आप उसके डालें तो उससे भी फर्क पड़ता है।